आज मैं आपको एक ऐसा ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है 12% क्लब। ये ऐप जो है बेसिकली ये जब कोरोना का टाइम आया था उस समय ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक भारत पे ऐप को लॉन्च किया गया था, कुछ IIT कलर का था वो, भारत पे ऐप को लॉन्च किया था। तो अभी उसी ऐप में एक 12% क्लब डाला है। इस ऐप से कंपनी लोन देती भी है, डिपॉजिट रिसीव भी करती है। आपके डिपॉजिट पर 12% वो इंटरेस्ट देती है। 12% बोले या 12% के आसपास। तो देखिए ये रेवेन्यू जनरेट करने का कंपनी का एक सिस्टम है। ये आपसे जो पैसा लेती है उस पैसा को वो लोन पर देती है, ठीक है। मतलब इस ऐप से लोन भी ले सकते हैं। तो जिसको लोन देती है वो उसको 12% से अधिक पर देती है, और फिर 12% आपको क्रेडिट करती है। इंटरेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पर डेली क्रेडिट करेगा। देखिए सी ऑल यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में 10 लाख के बगल में। मैं इसमें 1000 डिपॉजिट किया हूँ और आज 0.33 रुपीज मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा। 0.33 एक साल में अगर ऐड करेंगे 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 करीब आता है, मतलब 12% आता है। उसके नीचे देखिए वेट लिस्टेड टू बोरो, मतलब ये यहाँ से आप उधार भी ले सकते हैं पैसा, लोन पर भी। जो छोटा छोटा ट्रेडर होता है वो इससे लोन लेता है। और लोन का सिस्टम ये ऐसा बना के रखा है कि जो लोन लेता है उसको उसका बहुत सारा चीज़ चेक करता है ऑनलाइन, एंड उसको क्या करता है एल्गोरिथम होता है ऐसा कि उसके अकाउंट से जो लोन का अमाउंट है जो EMI है ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है, इसीलिए डिफॉल्टर होने का चांसेस कम। तो रिस्क क्या है इसमें, रिस्क तब आएगा जब कोई लोन लेने वाला डिफॉल्ट कर जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है। देखिए ऐड मनी यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप, देखिए ठीक है ना। और जैसे इंटर अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट जिसमें आपको ऐड करना है, देखिए मिनिमम 1000 है, 1000 आप ऐड कर सकते हैं। देखिए 1000 है चूज अमाउंट, 1000 की है, इसको ऐड मनी करेंगे तो देखिए क्या आता है। क्योंकि फ़ोन से जुड़ा हुआ है तो ऐड मनी करने में क्या होता है कि आपका गूगल पे है, भीम ऐप है, उसके बाद से नेट बैंकिंग है, इसके थ्रू आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी चक्कर क्या हुआ है कि चूँकि हम फ़ोन से कनेक्टेड है इसलिए अंदर नहीं जा पा रहा है, अदरवाइज वो भी दिखलाते हैं। इस बार गया अंदर, देखिए क्या दिखाता है यह होने। देखिए ऊपर देखिए गूगल पे है, भीम है, अमेजन है, नेट बैंकिंग है, इससे भी आप उसको कर सकते हैं। अदर बैंक में देखिए कौन कौन सा बैंक है, एक्सिस बैंक नहीं है इसमें, काफ़ी सारा बैंक है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आपको इसमें डाल के 1000 रुपया देखिए और आगे बढ़िए, छोटा अमाउंट डालना है लेकिन निश्चित है कि जो FD का अमाउंट है आपका उससे अधिक देगा, ये श्योर शॉट है। तो इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, ये अच्छा चीज़ है। मेरा कल मैं इन्वेस्ट किया हूँ और अभी देखता हूँ कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो परफॉर्मेंस के अनुसार जो है इसमें आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहिएगा। ये चीज़ उसके लिए है जो थोड़ा थोड़ा अर्न कर रहा है और अभी स्टॉक मार्केट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, फिक्स डिपॉजिट में कम पैसा आ रहा है, तो वो लोग अपना पैसा इसमें डालकर फिलहाल देखिए। हमको लगता है कि रिस्क तो है लेकिन सेफ है, क्योंकि इसका लोन पेमेंट से जो फायदा होता है, पैसा आता है, उसी से आपका इंटरेस्ट देता है। और लोन देने का सिस्टम ऐसा बना के रखा है कि जो लोन लेने वाला है उसका डिफॉल्ट होने का चांस कम है। बहुत छोटा छोटा ट्रेडर जो 25,000, 50,000, 10,000 डेली लेता है, बिजनेस करता है, फिर जमा करता है,
तो ये एक अच्छा ऐप था, लगा कि आपको बताना चाहिए, तो यूज कीजिए।